अभी हम लोग भवानी पटना से रवाना हुए हैं। हम लोग का डेस्टिनेशन है कोरापुट। और हमारा साथी है आदर्श। और हमारे साथ है सूरज और नवीन। और हम लोग अभी जूनागढ़ क्रॉस कर चुके हैं और मोटेर के तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं काउडला और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे एक दुकान है जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। आप लोग को भी सजेस्ट करते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करिएगा। कोडला में हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। अभी हम लोग आमपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करेंगे और आप लोग को वहाँ का अच्छा सा कवरेज देंगे। और आप लोग देखते रहिए, है बुरा राजा मंदिर आमपानी। यहाँ हम लोग दर्शन करके माथा टेक के हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इधर कहा जाता है कि इधर कोई भी इधर से जब गुजरते हैं तो इधर पहले दर्शन किया जाता है, माथा टेका जाता है, फिर अपना जर्नी कंटिन्यू किया जाता है। ये आदर्श नवीन सूरज और ये मैं सुभाषिस। मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग शक्ति माँ शक्ति यहाँ की देवी का दर्शन करेंगे। अभी आमपानी घाटी शुरू हो गया है। ये काला पेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है आमपानी घाटी भी, जो अब फुल्ली झरन जो जाते हैं उसी का ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है आमपानी घाटी। देखिए बंदर, देखिए बंदर लो चलो। यहाँ पे आपको बंदर मिलेगा।
पूरा हरी भरी फॉरेस्ट, जंगल पूरा हरी भरी है। एक गांव है बिरिमानपुर, जाने के रास्ता अभी भी घाटी खत्म नहीं हुआ। ये गांव पहाड़ के ऊपर है और आमपानी घाटी का खासियत है कि आमपानी घाटी खत्म होने से हम लोग कालाहांडी से नवरंगपुर जिला में प्रवेश कर जाएंगे। अभी घाटी खत्म हुआ और आपको बता देते हैं कि कालाहांडी जिला यहाँ पे खत्म हुआ और नवरंगपुर जिला शुरू हुआ। अभी आ गए हम लोग पापड़ाहांडी का डियर पार्क और इसके आपको दिखाते हैं क्या क्या है। डियर पार्क देखने के बाद हम लोग पूरा तरफ आगे बढ़ेंगे। ये इधर का हिस्ट्री है, 1986 में खुला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा तथा। ये भी पटनायक और यहाँ पे आपका इधर क्या है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना सारा चीज कवर कर सकते, लेकिन इंडियन सी फॉल मयूर बहुत ही खूबसूरत है। देयर इज अ मैसेज से नो टू प्लास्टिक। वहाँ ऊपर से अच्छी दिखते हैं। ये आपका डियर है, बहुत दूर में है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी। यहाँ पे बहुत सारा डियर है, वेल मेंटेन्ड है। सबसे बढ़िया है कि जो सेफ्टी के लिए जो दिया गया है जाली, उसका गैप अच्छा खासा है। डियर को
आप लोग खिला नहीं पाओगे बाहर का खाना, दूरी रखा गया है। देखिए क्या मस्त व्यू है, पूरा नेचुरल है, पूरा नेचुरल जगह में ये पार्क को बनाया गया है। ये नहीं कि पहले पार्क बना फिर पेड़ लगा, नहीं, पहले पेड़ है। उसके बाद आपका पार्क बना है। देखिए बिल्कुल करीब आ गया, देखिए क्या व्यू है, लिखा हुआ है क्या? ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो मिला हमें। देखिए इधर देख, इधर देखिए, एक डियर दूसरे डियर को बुलाते हुए। देखो मेरे मुंह से अब शब्द निकलेगा, अब शब्द निकलेगा बोल रहा है। ये है वाइल्ड बोर, कैसे घूर रहा है हम लोगों को नहीं पता, किसको घूर रहा है, शायद नवीन को। ये है वाइल्ड बोर, देखिए वाइल्ड बोर है। बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, देखिए कितना सुंदर है, सब फॉरेस्ट पूरा नेचुरल है। सूरज जी, नवीन जी और आदर्श जी, आदर्श जी वीडियो कॉल में व्यस्त है, वीडियो कॉल में भी दर्शन करा रहा है। और सूरज जी मुंह क्यों छुपा रहे नहीं पता। देखिए खाना खा रहे हैं ये लोग, इसको जंगली सुअर कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं, उड़िया में बराहा कहते हैं, और हम लोग शायद जंगली सुअर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो वाइल्ड बोर। अच्छा खासा साइज है, बहुत दूर है, एक इंसान को मार भी देते हैं, इंसान पे भी अटैक करते हैं जितना मेरे को आदर्श गाइड कर रहे, कभी कभार, लेकिन बियर जैसा नहीं है। उनको खाना दिया गया है, आप लोग आ सकते हैं, पापड़ा हंडी में है डियर पार्क, उसके अंदर में बहुत सारा दूसरा दूसरा टाइप का भी एनिमल रखा हुआ है, जैसे पिकॉक हो गया, डियर हो गया, डियर दो तरह का है, वो वाइल्ड बोर है। लिली पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आपको लिली दिखेगा, जगह बहुत सुंदर है। देखिए बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा वेल मेंटेन है। मैं सोचा था कि इतना अच्छा वेल मेंटेन नहीं है। देखिए अच्छा खासा डस्टबिन का भी व्यवस्था है, जहाँ तहाँ कचरा मत फेंकिए। देखिए ये लिली है, और इस पॉइंट का नाम है लिली पॉइंट, जैसे ये लोग रखा है इंफॉर्मेशन।
तो ये अच्छा पार्क है, आ सकते हैं आप लोग। फ्लोरा एंड फौना दोनों का यहाँ पे इंतजाम है।